सुशांत केस में निर्देशक रूमी जाफरी से हो रही है पूछताछ, समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे रूमी जाफरी। रूमी से ईडी करेगी सवाल, क्या सुशांत को किस फिल्म में किया था साइन, कितनी फीस का किया था भुगतान। फिल्म के निर्माता बाशु भगनानी के साथ किसी मीटिंग पर भी ईडी करेगी सवाल, रिया को हुए भुगतान पर भी होंगे सवाल। सुशांत मामले में सीबीआई ने शुरू किया काम, केस को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। सुशांत केस में जांच के लिए कल मुंबई रवाना होगी सीबीआई की टीम, मुंबई पुलिस से भी अनौपचारिक बातचीत। सुशांत केस की जांच के लिए गठित एसआईटी ने की बैठक, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी की गई गठित। अब तक 6 बयान दर्ज कर चुकी है सीबीआई, अब इस काम में आएगी तेजी। सीबीआई ने जांच में तेजी के लिए नोडल ऑफिसर भी किए तैनात, मुंबई पुलिस से करेगा तालमेल। सीबीआई जांच पर सुशांत के ननिहाल में खुशी की लहर, मम्मी रे भाई और मौसा बोले वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। कि हम लोगों को इंतजार था वो घड़ी अब आ चुका है, हम लोग काफी खुश हैं और हम स्वागत करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का कि जो फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है वो काफी दिल को सुकून देने वाला है। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर बोले बिहार के डीजीपी, मैंने अपना काम किया, सीबीआई करेगी दूध का दूध पानी का पानी। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं सुशांत को न्याय चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है। सुशांत केस सीबीआई तफ्तीश पर शरद पवार की सलाह, महाराष्ट्र सरकार करे फैसले का सम्मान। सीबीआई जांच को लेकर शरद पवार ने जताई आशंका, ट्वीट करके कहा सीबीआई जांच का हाल नरेंद्र दाभोलकर मामले जैसा ना हो जाए। सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप, घर जाकर सीएम से मिले, मुंबई पुलिस के कमिश्नर, गृहमंत्री अनिल देशमुख से भी मुलाकात। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, समाधि स्थल पर कई दिग्गज हस्तियों ने जाकर दी श्रद्धांजलि। वीरभूमि पहुंचकर राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को किया याद, अहमद पटेल, भूपेंद्र हुड्डा ने भी दी अपनी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को किया याद, ट्वीट करके कहा जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राजीव गांधी को किया याद, कहा देश के लिए उनकी सोच वक्त से काफी आगे थी। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस को फिर याद आए राम, अखबारों में दिए गए विज्ञापनों में कहा राजीव ने साकार की थी रामराज्य की कल्पना। राजीव गांधी की जयंती पर आज गहलोत सरकार ने लॉन्च किया इंदिरा रसोई योजना, उद्घाटन के मौके पर ही इंदिरा रसोई का विरोध की, सैकड़ों लोगों ने रसोई का विरोध किया, लोगों ने रसोई के बाहर लगे पोस्टर उखाड़ फेंके। जयपुर में कांग्रेस का संकट खत्म होने के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंचे सचिन पायलट, विवाद में गवाई थी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। यूपी के आजमगढ़ में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या केस में गरमाई सियासत, कांग्रेस का यूपी सरकार पर हल्ला बोला। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मृतक परिवार से मिलने से रोका गया, सर्किट हाउस के अंदर नजरबंद हुए कांग्रेस के कई नेता। आगरा में लेडी डॉक्टर की हत्या, मंगलवार से गायब थी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर के परिचित डॉक्टर पर शक, आरोपी डॉक्टर ने पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह, गिरफ्तार हुआ। नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया, गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके। यूपी के भदोही से गायब नाबालिग लड़की की नदी किनारे मिली लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, डूबने से हुई मौत। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने एक शख्स को मारी गोली, कहा सुने के बाद की फायरिंग, सिपाही हिरासत में। हंदवाड़ा में एनकाउंटर, लश्कर के दो आतंकवादी ढेर, कई घंटे तक चला ऑपरेशन। नॉर्थ कश्मीर में सीआरपीएफ के नाके पर हमले में शामिल थे दोनों आतंकी, लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी मारा गया। दो दिन पहले सोपोर में सीआरपीएफ नाके पर हुआ था हमला, तीन जवान हुए थे शहीद। हंदवाड़ा के गानीपुरा इलाके में हुआ एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। ऑपरेशन के बाद कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। देशभर में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में करीब 70,000 नए मरीज, 28 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में देशभर में कोरोना से 977 की मौत, अब तक करीब 53,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना को मात देने वालों की तादाद 21 लाख के करीब, रिकवरी रेट 72% के पास। महाराष्ट्र में कोरोना के फिर 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस, 346 लोगों की एक दिन में मौत। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 53 की मौत।
दिल्ली में कोरोना पर दूसरे सीरो सर्वे का बड़ा खुलासा, 29% से ज्यादा लोगों में मिली कोरोना की एंटीबॉडी। ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 33% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी, इसका मतलब हर तीसरा शख्स कोरोना से संक्रमित होने के बाद हो चुका है ठीक। एंटीबॉडीज में मिली है 29.1, उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली है। एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होके ठीक हो चुके। इस बार ये सीरोलॉजिकल दूसरे सीरो सर्वे में लिए गए थे 15,000 सैंपल, 3 तरह के एज ग्रुप में किया गया था सर्वे। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, 18 साल से कम उम्र वाले ज्यादा संक्रमित, इस तरह का मामला आया है सामने। सुबह तक दिल्ली में बारिश का कहर, रात भर होती रही बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव। मंडालवली इलाके में अंडरपास पानी से लबालब, रात भर की बारिश में कई फुट तक भरा पानी। सुबह सुबह कई इलाकों में लगा लंबा जाम, जाम से जूझती नजर आई राजधानी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी पानी भरा, राहत के लिए करना होगा इंतजार। मयूर विहार फेज 3 इलाके में भी जलभराव, सुबह से लोग हुए परेशान। चंद घंटे की बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम को किया बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें। गुरुग्राम की कई सड़कों पर समंदर जैसे हाल, दर्जनों कारें और बाइक डूबी, जेसीबी मशीन से हुआ रेस्क्यू। बारिश में गुरुग्राम बना झील, गोल्फर ज्योति रंधावा ने अपने घर से सोना रोड तक की नाव की सवारी। जिस रोड से रंधावा को निकलना पड़ा वहां दूर तक पानी भरा था, पूरी सड़क तालाब में तब्दील थी। गुरुग्राम में बारिश के बाद दिक्कतें, इफको चौक के पास रोड धंसे, ट्रैफिक पर पड़ा असर। गुरुग्राम में सड़कों पर भरे पानी से दोपहिया वाले खासे परेशान, कई दोपहिया पानी में खराब हो गए। शहर में पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए उतरी जेसीबी, कई इलाकों में खराब गाड़ियों को निकाला गया। पॉश कॉलोनियों का भी बुरा हाल, कई सेक्टर्स के घरों के आसपास जमा हुआ पानी। फरीदाबाद में भी आज बाढ़ से बुरा हाल, कई सड़कों पर भारी जलभराव। बारिश के पानी के बीच आवाजाही में दिक्कत, तैरती से दिख रही हैं कारें। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह लोग उठे तो सड़कों पर भरा था पानी, प्रीत विहार में हालत खराब। सुबह पूर्वी दिल्ली में जगह जगह पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत, कई सड़कों पर दिखा जल भराव। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक मकान जमींदोज, मलबे में दबने से 3 लोग घायल। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज भी होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में होगी ज्यादा बारिश। एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी आज जारी रहेगी बारिश। गुरुग्राम में डीएलएफ गोल्फ कोर्स अंडरपास पानी से लबालब, 24 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है पानी। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर पानी भरा, रफ्तार पर पड़ा असर, हजारों वाहन चालकों को दिक्कतें। आईटीओ पर दोपहर तक ट्रैफिक जाम, लोगों को घंटों करना पड़ा इंतजार। सुकमा में लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 30 पर जाम, नदी नाले उफान पर। ओडिशा के कालाहांडी में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनना है वजह। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों के राशन के लिए अनोखी पहल, डीएम ने पीडीएस बोर्ड का किया खास इंतजाम। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जलभराव, घरों में घुसा पानी, बाइकें बह गई। शारदा, घाघरा, मोहारा नदी उफान पर, 90 गांवों पर बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। बिजनौर में नदी में बही मेटाडोर, ड्राइवर की मौत। पुदुचेरी में बाढ़ की आफत, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुसीबत। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे सपाई गिरफ्तार, बिजली बिल और स्कूल फीस माफी की कर रहे थे मांग। वडोदरा के दो दोस्तों ने बनाई सबसे लोकप्रिय पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित इमोजी, कंज्यूमर मुफ्त में कर सकेंगे इस्तेमाल। पानी को तरसते बुंदेलखंड के लिए यूपी सरकार और इसराइल में समझौता, पानी के प्रबंधन की तकनीकी देगा इसराइल। छत्तीसगढ़ में किसानों को दी गई राजीव किसान योजना की दूसरी किश्त, किसानों को आर्थिक मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की है योजना। अलीगढ़ में रामलला की आरती करने वाली बीजेपी नेता रूबी, आसिफ कट्टरपंथियों के निशाने पर मिल रही है बुरे अंजाम भुगतने की धमकी। फरुखाबाद के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, मरीज को चारपाई पर बिठाकर बाढ़ के पानी से किया रेस्क्यू।
राम मंदिर निर्माण समिति की आज दिल्ली में बैठक, निर्माण की रूपरेखा पर होगा विचार। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू, सपा ने किया विधानसभा पर प्रदर्शन। सपा विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को विधानसभा के गेट पर रोका, जिलों में कोरोना की रोकथाम नहीं होने का लगाया आरोप। प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, अवमानना केस में दोषी ठहराए गए हैं भूषण। इंदौर में हॉरर किलिंग, लड़की के परिजनों ने लड़की की पीट पीट कर ली जान, पिटाई का वीडियो वायरल। अमृतसर में युवक से बीते एक युवक कर रहा था हेरोइन की तस्करी, हेरोइन की खेप के साथ गिरफ्तार हुआ। जींद में दो फर्जी महिला इनकम टैक्स ऑफिसर गिरफ्तार, ज्वेलर से गहने ठगने की कर रही थी कोशिश। खुशीनगर में एनकाउंटर में तीन बदमाश घायल, सराफा कारोबारी से लूटपाट में थी तलाश। बेंगलुरु हिंसा में गिरफ्तार 61 लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटी कानून लगाया गया, अभी जारी है गिरफ्तारियों का दौर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।